सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा सीने से लगाएगा चिंता हमारे बीच में
तीन डिफरेंट कलीसियाओं के पास्टर भी बैठे हुए हैं, पास्टर खान, पास्टर हिंदियम, पास्टर रंजीत, उनको भी हम इस सभा में आमंत्रित करते हुए, स्वागत करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिल्कुल समय में रखें, दो मिनट से ज्यादा कोई ना लें, पहले पास्टर रंजीत आ जाए, दो मिनट शांति के वचन, उसके पश्चात पास्टर विलियम, फिर पास्टर खा हमारे चर्च से, पास्टर फेलिक्स, दो मिनट से ज्यादा ना लें, पास्टर जोस और पास्टर निखिल का पत्र मैसेज मेरे पास है, मैं उसको पढ़ दूंगा, फिर डॉक्टर जयकुमार के बेटे का भी ईमेल है, उसको भी मैं पढ़ूंगा, साथ में पास्टर सीएस जी का भी मैसेज है। इस प्रकार हम लोग 7 बजे ठीक सभा समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले पास्टर रंजीत आ जाए। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ हम सब उस बात को जानते हैं, परमेश्वर के दास पास्टर डॉक्टर जयकुमार जी के लिए, उनके पूरे फैमिली के लिए मैं प्रभु के सम्मुख में समर्पित हूँ, और उनके दुख के साथ दुख में शामिल होते हुए परमेश्वर में उन्हें शांति देना चाहूँगा। जीवन और मृत्यु के जो अधिपति है, जिसके हाथों में हमारी जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का अंत का समय का दोनों तय करने वाला परमेश्वर, उसने अपने दासों के जीवन में अपने अच्छे कार्यों को पूर्ण किया और उन अच्छे कार्यों के साथ अपने दासी को अपने पास बुला लिया, परंतु वो अपने अनुग्रह को कभी अपने पास ले नहीं लेता है, वो अपने अनुग्रह को अपने संतानों के बीच में सदैव बनाए रखता है। जैसे प्रभु ने कहा, मैं जाऊँगा परंतु मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बीच में मैं अपना एक सहायक भेजूँगा, और वो सहायक इस पृथ्वी के अंतिम समय तक वो हमारे साथ रहेगा, चाहे कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, परंतु परमेश्वर का सहायक सदैव हमारे साथ है। उसी सहायक के साथ में इस वचनों को परमेश्वर के दास डॉक्टर जयकुमार जी और उनके पूरे परिवार को देना चाहूँगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको शांति मिले। थैंक यू। विशेष आप क्यों अपनी दृष्टि को लगाते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो शांति के दाता हैं। और प्रभु, बीते दिन में जबकि आपने अपने दास को और उनके परिवार को अपनी शांति दी है, इस समय भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे संग हैं, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर ही है जो हमें अपनी शांति से भरपूर करता है, जैसा कि हम भजन के 116 के उसके 15 पद में पढ़ते हैं कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हम अक्सर भक्तों को ये सोचते हैं कि शायद पासवान है या कोई प्रभु का सेवक है। नहीं, हर एक वो जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसकी महिमा करता है, वो परमेश्वर के भक्तों में शुमार है। और इसलिए कि हमने कल भी डॉक्टर साहब के द्वारा और हमने और भी लोगों के द्वारा सुना कि किस तरह से वे विश्वास में मजबूत थी, और उन्हें हम 2010 से 2009 से जान रहे थे इस घराने को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इन दिनों में मैंने सच में, इन वर्षों में उनके जीवन में, विशेष करके शिष्य के जीवन में जो मैंने पहुनाई देखी, सच में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। सच में पहुनाई करने में बहुत आगे हैं। परमेश्वर उनके उनके घराने को, उनके बच्चों को शांति प्रदान करे, और इस बड़ी जो क्षति घराने को हुई है उसकी पूर्ति परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा इस घराने में दे, ताकि ये घराना मसीह यीशु में अपनी दृष्टि को निरंतर परमेश्वर की ओर लगाए रख सके। परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत अच्छे शांति प्रदान करे। मेरा दिल उनके प्रति बहुत भरा हुआ है। मेरी आखिरी मुलाकात इसी गेट पर उनसे हुई थी, और ये जब हम अकोड़िया जाने वाले थे, मुझे डॉक्टर साहब के पास उनके साथ में बैठना था, और डॉक्टर साहब के साथ बैठने से पहले मैं उनकी कार के पास गया, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो सर के साथ में बैठने वाले हो और आप उनके साथ में जाओगे, और फिर मैंने उनसे कहा कि आप हमारे साथ में खाने पर आने वाले हो और आप हमारे साथ में संगति करोगे,
ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। और फिर हरदा में भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, हमारे घर में आए थे, और फिर आपके घर में हमारी बराबर मुलाकात होती रहती थी। और ईश्वर का धन्यवाद हो कि उनके अंदर मसीह स्वभाव था और उनका जीवन हम सबको प्रभावित करता था, और उनके द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है। उनके लिए मैं दो पद में एक मुकुट और अपने परमेश्वर के हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। और दूसरा पद यह है डैनियल नबी की किताब उसका 12 अध्याय का 3 पद कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह आकाशमंडल में तारों की मानी चमकेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं कि वो प्रभु के पास में है और आज भी हमारे बीच में वो तारों की मानन चमकेगी। उनके उन्होंने जो भी सेवकाई हमारे बीच में की है उसको परमेश्वर हमेशा स्मरण रखेगा और हमेशा याद रखेगा, और हम उनकी कमी को हमेशा महसूस करेंगे। और डॉक्टर जयकुमार के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि बहुत से यहूदी जब मार्था मरियम के परिवार में आए तो शांति देने के लिए आए थे, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जो शांति मैं देता हूँ और मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ जो दुनिया नहीं देती, यूहन्ना 14:27। परमेश्वर आपको शांति प्रदान करें। हम सभी आपको अपनी प्रार्थना में स्मरण करते रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर जयकुमार और उनके प्रिय पत्नी यहाँ आने के बाद मीटिंग के बाद वापस जाते समय दोनों ने निर्णय लिया हमारे घर पर विजिट करना है। उसके बाद आपस में बाद में चलें या अभी चलें करके उन्होंने जब विचार कर रहे थे, हमने बोला नहीं अभी चलना है, आगे हैं। और वहाँ आने के बाद भी बहुत अनुग्रह के साथ उनके साथ हमारे वार्तालाप हुई। उससे भी पहले मुझसे और मेरे वाइफ से कहा आपने हमारे लिए प्रार्थना करना है, लेकिन उनको शारीरिक रूप में कुछ अस्वस्थता या तकलीफ नहीं मालूम थे। वो लोग हम प्रार्थना कर रहे थे, जीवित परमेश्वर के एक समय था और समय पर परमेश्वर ने उनको इस समाप्त किया जितने समय रहने के लिए अनुमति दिया है। उसके बाद वो जो समय समाप्त हो गया परमेश्वर की दृष्टि में, और मैं इस मानसिक रूप में हमें लोग सोचते हैं डॉक्टर जयकुमार अकेले पड़ गए हैं। जीवित परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं इस समय पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन जीवित है, सामर्थी वचन है, उसके आधार पर अकेला नहीं है। कि धर्मी जन नष्ट हो जाते होते हैं और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता धर्मजन इसलिए उठा लिए जा गए हैं गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुँचता है, जो सीधी चाल चलता है वो अपनी खाट पर विश्राम करता है। वास्तव में एक अच्छे तारीख रात को हमारे सेलिब्रेशन के बाद मैं और मेरे परिवार जैसे हमारे क्रॉस ग्राउंड से बाहर जाते थे, उस जाने के समय डॉक्टर जयकुमार एवं मिसेस जयकुमार वहाँ पे खड़े थे और मिसेस जयकुमार ने ऐसे बोला गुड नाइट, लेकिन हमने नहीं सोचा दैट वुड बी द लास्ट गुड नाइट, क्योंकि 26 तारीख शाम को जैसे हम घर के अंदर थे एकदम रवन जयदा के कटकटा के एकदम न्यूज बोल दिया, उस समय बोला श्योस नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो इस परिवार के लिए और उनके द्वारा प्रभु ने, विशेष तौर से मिसेज जयकुमार के द्वारा प्रभु ने जो भी कार्य किया है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने उन्हें एक अच्छा जीवन दिया, एक अच्छा सेवा प्रभु ने उनको इस पृथ्वी पर दिया। और जैसे हमारे पादरी साहब डॉक्टर मैथ्यू थॉमस ने कल जो अंतिम शब्द जो प्रेरित पौलुस के जीवन से कहा, आई हैव फॉट अ गुड फाइट, आई फिनिश माय रेस एंड कैप्ट माय फेथ, ये उनके जीवन से हमने देखा। और इस परिवार के लिए विशेष तौर से डॉक्टर जयकुमार और उनके दोनों बच्चों, विशेष तौर से उनके दामाद के लिए भी मैं एक वचन दो वचन है
वो दो वचनों को पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूँ, जो कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 35 और 36 में देखते हैं। यीशु रोया, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रभु हमारे अवस्था को जाने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रोने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहते हुए जैसे हमने गीतों को गाया, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, लेकिन वो हमारे पास आने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको हियाव दे और प्रभु की सेवा में और आगे लेकर चले, ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो, क्योंकि उदासी में प्रभु के पास पहुंच गए हैं। इस आश मुझे लगता है कि अपने घर के बाद यदि सबसे ज़्यादा मैंने समय किसी घर में बिताया है वो है डॉक्टर जयकुमार का घर इटारसी में। मिसेस जयकुमार सचमुच एक ईश्वर की भक्तिन थी, उनके अंदर वो मसीह प्रेम हर पल झलकता था। यहाँ तक कि अभी घर से निकलने के पहले तैयार हो रहे थे, मम्मी यही मुझसे कहती है कि उनका वो हंसता हुआ चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता है। मुझे याद आता है वो समय जब 25 तारीख का हमारा क्रिसमस का सेलिब्रेशन था, कैंप फायर था, वो अंतिम भोजन भी उस रात्रि की हमने साथ में की, और उस समय भी वो इस प्रकार से बोल रही थी। मैं बैठा था, मम्मी थी मेरी, मेरी सिस्टर थी बॉम्बे से आई थी, मिसेस जोसेफ थे वहाँ पर, और मिसेस जयकुमार ऐसा बोल रही थी कि मेरी बहन और मुझसे कि आप रुके नहीं कुछ दिन और हमारे घर आते, कुछ समय बिताते, मैं कुछ बनाती। उनके अंदर सदैव ये एक जो स्वभाव मैंने बताया कि दूसरों की सेवा करने का, पहुनाई करने का, हमेशा उन तत्पर रहती थी, तैयार रहती थी, और जब भी उनसे मिलो एक अलग ही खुशी और आनंद उनके चेहरे में दिखाई देता था। और सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये बात मैंने सर से भी कहा कि ईश्वर ने अपनी योजना में रखा था वो उन्होंने पूरा किया, और बड़ी सफलतापूर्वक पूरा किया, क्योंकि उसके बाद जब हमने फेसबुक में पोस्ट डाला और कई जगह से कॉल जब फ्रेंड्स के आए, उनका प्यार वहाँ पर देखा जा सकता है कि उन्होंने कितना प्रभाव इस CITS फैमिली में, इवन इसके बाहर कईयों के जीवन में उन्होंने छोड़ा। तो मैं पीछे रह गए खेतित परिवार के लिए एक परमेश्वर के वचन से एक शास्त्र भाग पढ़ना चाहूँगा, जो कि पहले पत्रस की पत्री में उसके 5वें अध्याय के 7वीं आयत में है। ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर खास तौर पे डॉक्टर जयकुमार और उनके बच्चे जो आयरलैंड में है और साथ उनके दामाद, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन उन्हें टू सम एक्सटेंट शांत बना देगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मे द गॉड गुड गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस बाय हियरिंग ऑफ हिज वर्ड। हमारे चर्च आज की शोक सभा जो मिसेस जयकुमार के उपलक्ष्य में रखी गई है, और जो 2 मिनट का मौका मेरे पास ने मुझे दिया, जहाँ तक तालिबात डॉक्टर जयकुमार और मिसेस जयकुमार के साथ परिवार के साथ रहा, जबकि मीटिंग के बाद हम मिलते थे तो बड़े खुश मिजाज के साथ मिलना होता था, और उनका यही कहना रहता था कि अगर कभी समय मिले तो आओ। और यही एक वाक्य था जब नवंबर माह में जब मुझको और भाई मुकेश को और भाई थोराड अपनी फैमिली के साथ जब उन्होंने बोला कि आपको आना है, और हम लोग वहाँ पर गए, शरीर हुए, उस समय बिताया, और बहुत अच्छी रूप में दोनों उन्होंने हमें एक अच्छे स्वादिष्ट भोजन को भी खिलाया। मैंने कभी ये सपने भी नहीं सोचा था कि मैं उनके बारे में या उनकी कंडोलेंस भेजना बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने परिवार से पिछले 20 सालों से उनका संबंध रहा, चाहे किसी भी चर्च में किसी भी कलीसिया का मेंबर रहा, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध रहे, और वो मेरे गांव
बच्चों की जितनी भी बातें थी अपने परिवार की सब उनसे मैं शेयर करता था। यहाँ तक कि जब मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते ले जाता भी था तो पहली राय या पहला साथ उनका मेरे साथ रहता था, चाहे वो आधी रात हो। हमने जब उनको याद किया वो हमारे साथ हाजिर रहे, चाहे खुशी हो, क्योंकि पिछले एक तारीख इसी महीने को आखिरी बार उनने हमारे साथ फोटो खिंचवाई थी, कराई थी। तो क्या फोन आपका अच्छा, हमारे साथ की फोटो। ये नहीं सोचा था कि जो गार्जियन जिनको मैं अपना परिवार समझता था, अपने भाइयों समझते, अब निमास शरीर का एक उम्र में तो मेरे साथ छुट्टी होंगी, पर सर के कारण मैं उनको अपने गार्जियन ही समझता था। मेरे हम उनके साथ हैं और हम इस चोटी के साथ कहते हैं कि यीशु के नाम में हम आपसे वादा करते हैं, आप उनकी फिक्र ना करें। जब तक पासवानियाँ रहेंगे और पूरा पीसी के टार्स उनके साथ हमेशा रहेगा, अंतिम स्नान तक रहेगा। Amen.
We are glad that you are with our Lord. हम खुश हैं कि आप हमारे प्रभु के साथ. And Savior Jesus Christ. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह. It won't be long to see you again when Christ returns. और जब प्रभु यीशु मसीह वापस आता है, बहुत ही शीघ्र हम आपसे मिलेंगे. I will miss you until then. और तब तक हम आपको सदैव याद करेंगे. You are the best parent. Help me grow spiritually as well. और आप मेरी बुद्धि से उन्नति करने के लिए आप मेरे जीवन में एक उत्तम पालक बने रहें. I'm sorry, I was not there, but we will meet you soon. और मैं माफी मांगना चाहूँगा कि मैं वहाँ पर नहीं आ पाया, लेकिन बहुत शीघ्र हम मिलेंगे. I will always pray that when Christ comes, we all see Him together physically. और मैं हमेशा ये कामना करता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, शारीरिक रूप से हम फिर से एक बार उन्हें देख पाएंगे. Yeah, Mama, you're gone. प्रिय माता, आप जा चुकी हैं. You were great encouragement to me. और मेरे प्रति आप एक बहुत ही बड़ी प्रोत्साहन के कारण. I'm sorry to not be present with you there. और मैं फिर से माफी मांगना चाहूँगा कि मैं वहाँ पर आपके अंतिम उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाया. Lord, please take care of my daddy. और प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि तू मेरे पिता की सुधि ले. And my sister. और मेरे बहन की सुधि. And my brother-in-law. और मेरे भाई brother-in-law की सुधि ले. Jesus, come soon. प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ जा. I cannot make it without my mom. अपनी मम्मी के बगैर मैं नहीं रह सकता. Without my dad and my sister. अपने पिता और अपनी बहन के बगैर. So please come soon and reunite us. In Jesus' name, I pray. कृपया अति शीघ्र आ और फिर से एक बार हम सबको मिला ले. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. My awesome mama. मेरी अद्भुत मम्मी. I love you. मैं आपसे प्रेम करता हूँ. And I miss you. और आपको याद करता हूँ. Amen. Amen. What everyone? और हर एक को मैं सुन रहा था. If I want to make a summary of Mrs. Jayasheela's life. और यदि Mrs. Jayasheela के जीवन का मैं एक निष्कर्ष या फिर एक उपसमन में निकालूं. I can put in five words. मैं पांच शब्दों में संजो सकता हूँ. And very simple, everything will start with letter H. बहुत ही सरल है, अंग्रेजी की H अक्षर से शुरू होगा. A woman who honored God all the time. एक ऐसी स्त्री. A helping hand. Helping others all the time. एक ऐसी स्त्री जो सदैव मदद दूसरों को करने के लिए तैयार रहती थी. A woman of hospitality. और पहुनाई करने वाली स्त्री. A woman of humility. और नम्र स्त्री. Number five. पांचवी बात. A woman of happy and joyful attitude. और एक ऐसी जो सदैव एक खुशनुमा और आनंद से भरा हुआ जीवन रखने वाली. We have a lot of things to share. बहुत सी बातें हैं बताने के लिए. Even the last journey to heaven started from Shalom. यहाँ तक कि उनकी अंतिम यात्रा जो स्वर्ग के लिए थी, उसकी शुरुआत शालोम से. Still, we cannot fathom. Our mind cannot understand. But we know one thing: she is in the best place. और अब भी हमारा मन, हमारा दिमाग इस बात को नहीं समझ सकता, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो एक उत्तम स्थान में है. For Dr. Jaykumar and his son-in-law and the family, I'd like to read a passage which he should remember throughout his life on this earth. एक शास्त्र पाठ विशेष तौर पे डॉक्टर जयकुमार, उनके दामाद, उनके बच्चों के लिए ये आयत आप सदैव अपने जीवन भर आप याद रखिए. It's not just me reading, but all my associate pastor and assistant pastor, Pastor B. Wilson. और ये ना केवल मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु मेरे तमाम सहयोगी पासवान और पास्टर बी विल्सन, हम सब मिलकर ये आपके लिए पढ़ रहे हैं. इवन पास्टर सीएस सजी हैज सेंड हिज कंडोलेंसेस. यहां तक कि पास्टर सीएस सजी ने अपने सांत्वना के शब्दों को भेजा है. एंड पास्टर सैली फ्रॉम हिज बिलाई विल बी हियर टू सी यू पर्सनली. और आपको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए पास्टर सैली बिलाई से यहां पर आए. Romans chapter 15.
रोमियो की पत्री 15 अध्याय वर्स 13 तेरा है आई प्रे दैट गॉड द सोर्स ऑफ होप विल फिल यू तेरा दुआ करना द सोर्स ऑफ होप विल फिल यू कंप्लीटली विद जॉय एंड पीस होने पाए परमेश्वर जो सारी शांति का दाता है तुम्हें आनंद से और उस शांति से परिपूर्ण करने पाए सोर्स ऑफ होप आशा का स्रोत विल फिल यू आपको भरेगा कंप्लीटली देन यू विल ओवरफ्लो विद कॉन्फिडेंट होप थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरोसेमंद उस आशा में और भी उन्नत होते जाएंगे दिस इज Our desire, ki hamari dil tamanna hai, that you will overflow with a confident hope, which will bring joy and peace in your heart. Ki aap us bharose se bhari hui us aasha mein unnat hote jaye, jo aapke andar anand aur shanti ko lekar aaye. Next 4 minutes, I want to give to Dr. Jaykumar. Main Dr. Jaykumar ko dena chahta hu. मन व्याकुल न हो शांति का दाता तेरे साथ है हे मेरे मन व्याकुल न हो शांति का दाता तेरे साथ है ना सशक्त करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा आई विल होल्ड यू अप विद माय विक्टोरियस राइट हैंड और अपने जयवंत दाहिने हाथ से मैं तुम्हें थामे रहूंगा सेकंड पैसेज इज फ्रॉम आइज़ाया 48 दूसरा शास्त्र भाग यशाया 48 से है देन यू वुड हैव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तब तुम्हें शांति और संपन्नता मिलेगी फ्लोइंग लाइक ए जेंटल रिवर
और बहुत ही कोमल इस मृदु नदी के समान बहते हुए तुम्हारे जीवन में आएंगे। Righteousness rolling over you like waves in the sea। और समुद्र के ऊपर जैसे वायु चलती है वैसे धार्मिकता तुम्हारे जीवन में प्रभुता करेगी। I request all the pastors to come around, Dr. Jaykumar and his son-in-law। मैं चाहूँ Pastor Jen is going to lead out in prayer। I am prarthana kare। Our gracious Father, we want to thank you for this evening that you given to us। Lord, we are so thankful to you for who you are and what you are। Yes, so God, as we come to your throne of grace, particularly on this occasion, we like to acknowledge your faithfulness upon Dr. Jaykumar and Mr. Jaykumar. We thank you, Lord, for the life that she left and also the legacy that she has left with us, Lord. We thank you for the powerful testimony that she was able to make, that she was able to touch lots of people, many ways. We thank you for all the life that she lived with, and we want to acknowledge this morning, Lord, this evening, Lord, that you are so faithful and you are so wonderful to her life. And in your time, Lord, you called her home. And we thank you for that also, Lord Jesus. And we also thank you, Lord, for the family member. All of them, they recognize and also they have understood the kind of life that she lived with and the life that she has touched. We want to thank you for the confidence that you given to her son. We want to thank you, Lord, for that beautiful letter, acknowledgement, and also the message, the confidence that they have. And as he has committed his life to serve you, Lord, we pray to continue to be with him. Although Mrs. is not here, she's going to be with you, Lord, but we pray the peace of God that passes all understanding will guard the hearts and mind of Dr. Jaykumar, Lord. We believe that you are going to take care of him, you are going to bless him, you are going to, Lord, strengthen him so that, Lord, in the time of loneliness, he will find the perfect peace of God. We pray that your angels will be all around him, Lord. We pray for the entire family, that you will bless each one of them, Lord. We pray for the children, particularly his children now, Lord, brother and sister, although they are alive. We pray that you will take care of them, Lord. Together, Lord, bring Dr. Jaykumar into your mighty hand. Bless him, Lord. Be with him, Lord. Give him your divine comfort and peace. And also let him feel the presence of the Almighty God so deeply and so heavily. Thank you, God, for hearing us. In Jesus' name, we pray. Amen. In the love of the Father, grace of the Lord Jesus Christ, communion of the Holy Spirit shall abide with Dr. Jaykumar and family forever and ever. Amen. आप लोग आए ठीक 7 बज गए हैं।